हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम खेलने जा रहे हैं एक न्यू हॉरर सर्वाइवल गेम जिसका नाम है डेथ पार्क। और ये जो है एक स्कैरी गेम होने वाला है। और इस गेम को खेलने में जो इतना मज़ा आता है ना, बस आप लोग पूछोगे नहीं। तो ये जो है थोड़ा बहुत हॉरर होने वाला है क्योंकि ये जो है एक अम्यूजमेंट पार्क होता है, उस पर बेस्ड है पूरा। क्योंकि अम्यूजमेंट पार्क में जो है भाई बहुत सारी रेलवे ऐसी सब चीज़ें होती हैं और वो जो है अबंडेंट होने वाला है। और उसके साथ जो है क्रीपी सर्कस भी है। तो चलो अभी जो है ये अंकल यहाँ से बाहर निकल चुके हैं और इतना मैंने भाई इंट्रो दे दिया ना, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन और यहाँ से की उठानी पड़ेगी मेरे को। और ये अंकल जो है थोड़े बहुत हॉरर से हैं। अंकल नहीं मैं से बोलूँगा, इसे बोलूँगा मैं जोकर। और ये गेम में जो है ऐसे करके लगाना पड़ता है। और ये जो गेम है ग्रैनी की तरह नहीं होने वाला है कि ग्रैनी गेम में कैसा था, थोड़ा बहुत हॉरर सा था और उसमें जो है भाई बच जाते थे। लेकिन भाई ये जो है थोड़ा बहुत डरावना सा है और एस्केप करना पड़ेगा हमें इस रूम से। और यहाँ पे जो है मैं पार्क के अंदर तो आ चुका हूँ और ये रहा डेथ पार्क। और अब पीछे जाने का तो रास्ता है नहीं क्योंकि मैं जिस जगह से आया था उसमें जाने का। और अब जो है यहाँ से आगे जाना पड़ेगा और यहाँ से मिलेगी मेरे को एक टिकट, और जो ये आप लोगों को दिख ही रही होगी। इस टिकट का काम जो है मैं आप लोगों को आगे पे बताता हूँ। और इधर पे कौन सा इंट्रो चलने लग गया। अच्छा इधर पे जाइए, अंकल भी आ रखे हैं। तो ये देखो यही है वो जोकर भाई, ये मेरे को स्केप नहीं करने देगा। और इसमें जो है 6 लाइफलाइन होती है, मतलब 6 लाइफलाइन होती है। जैसे अंकल ने मेरे को पकड़ लिया और फिर मार के कहीं पे बंद कर दिया, तो ये कुछ वैसी सी होती है। और मेरे को जो है इधर पे ये ट्रेन के पास जाना था और फिर इस ट्रेन को मैं ऐसे ही और फिर इस ट्रेन को उधर पर मैं फेंक दूंगा। अभी देखना वो ट्रेन जो है खाई में गिर जाएगी, उसे देखने में एक अलग ही लेवल का मज़ा आ जाता है। और ये रही वो ट्रेन। और इधर पे जब ये इस बैरिकेड को तोड़ेगी तो इधर से मिल जाएंगे मेरे को प्लैंक। ट्रेन को यहाँ से नीचे फेंक देना, ये तो एक बार रियल लाइफ में भी करने के लिए होगा। वैसे तो मैं नहीं कर पाऊँगा भाई, जेल जाना पड़ेगा उसके लिए फिर। लेकिन और सब बकवास को छोड़ते हैं। और अभी मेरे को क्या मिले थे, प्लैंक्स। और प्लैंक से जो है मैं इधर ऊपर जा सकता हूँ। और थोड़ी मैंने जो है इस गेम की आवाज़ भी बढ़ा दी क्योंकि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा था और सुनाई भी नहीं दे रहा था। और बोतल मिल गई इधर से, चलो इधर से आगे चलते हैं पहले। और इधर से जो है मेरे को एक ही शीट मिल जाएगी जिसे जो है मैं यहाँ इस पे चला सकता हूँ, लेकिन वो जो है मैं बाद में ही चलाऊँगा भाई। और अभी मैं बताता हूँ किधर पे जाना पड़ेगा। और ये रहा भाई ये छोटे बच्चों की ये घोड़े वाली राइड। यहाँ पे म्यूज़िक वैसे थोड़ा बहुत तो अच्छा सा चलता है भाई, मैंने आज तक ये ज़िंदगी में कभी नहीं की। और कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों में से किस किस ने की होगी। और ये क्या होने लग गया भाई, अब जो है यहाँ पे ये ऐसी घुमाएगा और ये कट सीन आएगा। और इसमें जो है ये थोड़ा बहुत हमें डरा रहे होंगे उस जोकर अंकल से, लेकिन मैं डरता हूँ क्या। अभी वो दिख गए थे मेरे को और अब चले गए। बस अपने प्लेयर को थोड़े बहुत तो चक्कर आ गए हैं भाई, गिरना मत बस तू। नाउ आई नो द कोड। अच्छा इसे अब जो है कोड पता चल गया, तो भाई तू पागल है क्या फिर। और ये बिल्डिंग भाई अंदर से इतनी हॉरर होने वाली है ना, अब मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। मेरे को जो है इस बिल्डिंग में जाने में बहुत डर लगता है, लेकिन चलते हैं हिम्मत करके। और इधर पे मेरे को कोड लिखना पड़ेगा। और इस गेम में कुछ ये खास बात है, ये जो है कोड अपने आप ही लिख लेता है। और इधर पे जो मैं एंटर हो चुका हूँ, अंकल किधर पे हैं। पहले तुम अंकल की शक्ल दिखाओ भाई, वो रहे अंकल। और अंकल अब जो है भाग के मेरे पीछे आ रहे होंगे। चलो पहले जो मैं ये वाली साउंड कर लेता हूँ भाई। अब इधर पे छुप जाते हैं क्योंकि अब जो है इधर पे अंकल आने वाले हैं। और वो साउंड जो है मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ वो क्यों हुई थी। और उसमें जो है अब जो मेरे को एक स्लाइड मिली थी वो उसी से वो साउंड होती है। और ये जो है एक कोड होता है उस स्लाइड में, और वो जो है आगे चल के काम आएगा। अभी आप लोग देखना भाई आगे चल के वो कोड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और इस बार जो है मैंने उसे पहले ले लिया। और इधर से पहले एक की उठा लेते हैं क्योंकि इस की का जो बहुत ज़्यादा काम है। और ये लाइट भाई यहाँ पे ऐसे जाती रहती है, ये भी लॉक है भाई, सब चीज़ ही लॉक है ना। चलो मेरे को जो है इधर से ऊपर जाना पड़ेगा। और अभी जो ये जगह है ना, अभी आप लोग देखना है कितनी मज़ा आएगी। अभी मैं आगे पे जाऊँगा ना, वो अंकल जो है पीछे से आ जाएंगे। और आजकल मेरे को जो है हॉरर गेम्स खेलने के पहले इतना क्यों भूत चढ़ा हुआ है भाई। अभी देखो वो अंकल आ जाएंगे, देखा आ गए वो पीछे से। और अब जो है मेरे को बहुत तेज से भागना पड़ेगा, अब वो मेरे पीछे पड़ेंगे ह्यूमंगस हॉरर की तरह। लेकिन इधर से चलते हैं भाई, नीचे बैठ पागल है के, नीचे बैठ। और इधर से हटोगे तुम, पता नहीं क्या सस्ती चीज़ें लगा रखी हैं यहाँ पे। कंटेनर रख रखे हैं और अंकल आ रहे थे।
एंकर मेरी फट रही है। खुल 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 खुल, जल्दी खुल ना, इतना टाइम लगा रहा है, एंकर अंकल आ जाएंगे तब तक तो, क्योंकि इधर पे जाना पड़ता है हमें। बढ़िया, अब जो है मैं इधर पे सही जगह पे आ चुका हूँ, लेकिन इधर पे मेरे को जो है टर्न बैक करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पता नहीं ये कौन सा दरवाजा है, और लेकिन इधर पे ये खून खून का है, पर जैसे मांस नहीं होता वैसा टाइप का है ये। चेयर हवा में उछल रही है। हाँ भाई कुछ है पीछे? अबे कुछ भी तो नहीं है, बेगो बना रहा क्या तू मेरा? पहले जो है मेरे को इधर मिडल पे खड़ा होना होगा, और तब बताएगा मेरे को ये रास्ता। टर्न बैक, गो बैक, मैं पता नहीं अलग पहले ही क्यों बोल रहा था। और ये जगह जो है हॉरेबल हॉस्टल है, और हॉरेबल हॉस्टल में तो ये पक्का ही होता है। मेरे को दरवाज़ा दे तू, सबसे पहले बैठ के देखता हूँ, क्या पता है दरवाज़ा मिल जाए। देखा मेरे को लग ही रहा था। अभी इधर से जो है मेरे को इधर जाना पड़ेगा, और इधर पे क्या लिखा है, मर्डर इज द लास्ट चांस। ठीक है भाई, कर लूँगा मैं, ठीक है तेरा ही कर दूंगा बेटे जोकर अंकल, अगर मेरा दिमाग खराब किया। और ये टायर यहाँ पे लटका हुआ है भाई, एक दिन मैं भी इसकल अपने घर पे रखूँगा। अरे गिफ्ट इज देयर, अच्छा ऊपर पे, हाँ 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 भाई, हंसने लग गए ये लोग, मेरी बेइज्जती तो नहीं मार दी कहीं? चलो वैसे मेरी बेइज्जती तो कहीं नहीं मारी है, बस ये खाली खुद ही हंसने लग गए। भाई जोकर अंकल को तो काम ही क्या है, वो खुद ही हंसते रहते हैं। तो चलो अब जो है मैं फिर से उस जगह पे आ चुका हूँ भाई, अब मेरे को बेवकूफ नहीं बनाना है, ठीक है? अच्छा पीछे नहीं देखना है, तो पहले बताता ना पहले क्यों मेरा बेवकूफ बना रहा था। तो अब चलते हैं यहाँ पीछे देख के, पीछे नहीं देखना क्या? तो अब पीछे से खोलूँगा कैसे? चलो इतना तो देखना ही होगा। और ये जो है मैं कोई सी नई जगह पे पहुँच चुका हूँ भाई, इधर पर पता नहीं कहाँ जाना होगा, लेकिन इसके पीछे जो रहता है अपना मेन सामान रहता है भाई, ये तो ले लेते हैं। सबसे पहले जो मेरे को स्क्रू ड्राइवर दो, इसका बहुत ही ज़्यादा काम है। अच्छा इससे बाहर जाने का रास्ता, अबे कहाँ है बाहर जाने का रास्ता, ये तो मेरे को बेवकूफ बनाया जा रहा। गिव अप का जो है डिफीट होता है। अबे मैं मर्डर में जा रहा हूँ, डिफीट है ना, डिफीट तो ये है कि देते ये, अबे ये रीबर्थ है। अच्छा हाँ डिफीट तो ये रहा भाई, मैं भी ना कन्फ्यूज होते जा रहा हूँ। वैसे मेरे को यहाँ पे डेथ लेनी पड़ेगी, तो रीबर्थ लेता है, लास्ट चांस है मेरे पास मर्डर। और अब जो है मेरे को लास्ट में मर्डर पे जाना होता है, मेरे को वैसे ये तो पता ही है। ओ भाई अंकल आ गए इधर। अबे यार ये दिखे ही नहीं, इसकी आवाज तो आ रही थी, मैं जस्ट मुड़ के देख रहा था तभी ये अंकल आ गए। चलो इधर पे सही जगह तो मैं पहुंच चुका हूँ, और अब जो है मेरे को इसके अंदर जाना था। अभी ये पता नहीं कौन चिल्लाने लग गया था, लेकिन इधर से मेरे को ये क्या मिल गया, टॉर्च फ्लैशलाइट मतलब, और स्क्रू का काम ले, स्क्रू मैंने तेरे को दे दिया है, अब खुल जा। और यहाँ पे जो है टॉर्च का काम होगा, और अब किधर पे जाना है मेरे को? अबे यहाँ पे है क्या वैसे? कुछ तो नहीं है वैसे, नीचे चलते हैं फिर। और इधर पर मेरे को व्हील लगाना पड़ेगा, और ये मिल गया मेरे को व्हील। और इधर पर सबसे पहले जो है छुप जाते हैं, और इधर पे जो है मेरे को वो चीज़ लगानी पड़ेगी। चलो भाई अगर मैंने ये लगा दिया तो हल्ला तो हुआ है, अंकल जाएंगे अब उधर पे। ओ भाई ये क्या गिर गया, अबे कितना डर लग रहा है यार इसमें, कुछ भी चीज़ें कभी भी गिरी जा रही हैं। क्रोबार मिल गया इधर से, अबे मेरे को उसकी की नहीं पता। अबे अंकल आ गए, अंकल आ गए भाई। अच्छा हुआ नीचे नहीं आते कि नीचे आते हैं, नहीं आते। और इधर पे क्या चीज़ चमक रही थी? अच्छा ये तो रही यार की, वैसे मैं इसे चकरा देता हूँ। अंकल इधर पे आओ पहले तो, आप जोकर इधर पे आओ, वो भाग के आएगा, इसे चकराना पड़ेगा भाई, नहीं तो ऐसे मेरे को स्केप नहीं करने देगा भाई। इधर पे फटैक से क्रोबार मारते हैं, अबे क्रोबार कहाँ है? ये तो रहा, चलो क्रोबार मैंने मार दिया है। और इधर पे अंदर चलते हैं, इधर पे क्या चीज़ उठानी थी मेरे को, क्या स्लीपिंग पिल्स, चलो ये मैंने उठा दी। अबे अंकल ने देख लिया और बंद कर दिया। चलो मेरे को, अंकल आप बंद कर दो और एसी भी चला दो, आग भी लगा दोगे ना, मैं तो भी यहाँ से निकल जाऊँगा, इस्केप कर दूँगा। और लेकिन मैं इधर पे क्यों देख रहा था? अबे खुल इसी, ये किससे खुलता है? क्रोबार नहीं, स्क्रू ड्राइवर से, क्रोबार बोल रहा हूँ मैं। और चेन का काम जो है अब इधर पर होगा। चलो भाई इधर से निकालते हैं, और ये चेन यहाँ पर डाल देते हैं। जो है मेरे को ताला चाहिए होगा और सीजर चाहिए होगी,
और सीजर का काम जो है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, और ताले का काम जो है आप लोगों को बताइए, ये जो है चेन को उधर पे बंद कर देगा। और अभी चलते हैं सीधा चुपचाप से अंदर पे, अंकल ना उधर पे, काश अंकल हैं लेकिन शायद देख लिया मेरे को। ओ भाई ये क्या चीज़ गिर गई ऊपर से, ये जानबूझ के करते हैं भाई ये गेम वाले। अबे अंकल ने देखा ही नहीं और दरवाजा बंद करके चले गए। शाबाश यार अंकल, इतना भरोसा है गेमर पे। भाई इधर पे देखो, वो की तो मेरे को मिल गई। लेकिन इधर से बाहर जाने का रास्ता तो ये रहा। इधर पे ये डालते हैं और सबसे पहले उठाते हैं इधर पे ये मीट। चलो मीट उठा लिया, और इधर से जो है मैंने ये सोने की दवाई भी डाल दी। पर अब जाके जो है उस कुत्ते को खिलाना पड़ेगा। चलो इधर पे मीट मैंने खिला दिया है, और अब इसका कुत्ता मेरे को अंदर जाने देगा। और इधर पे मेरे को मिल जाएगा ये ताला, इस ताले का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वाला काम है। और ये सीज़र मिल गए मेरे को, और पहले जो है मेरे को सीज़र से कोई जगह काटनी पड़ेगी भाई, जो मतलब ये टेंट होगा, और फिर जो है मैं उधर से सर्कस में जा सकता हूँ। चलो इधर से ये सीज़र से काट दिया है, और इधर अंदर पे आ गया। और इधर से लेनी पड़ेगी मेरे को अलार्म क्लॉक, और कुछ चीज़ है, पैसा है। चलो पैसा थोड़ा बहुत तो ले ही लेते हैं, क्या पता आगे चल के काम आ जाए। और इधर पे कोई स्लाइड है, इस स्लाइड को रीड करने जाना पड़ेगा क्या मेरे को भाई? अभी इस स्लाइड को भी रीड करने जाना पड़ेगा। चलो चलते ही हैं अब, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को उस जगह पे जहाँ पे जो है मैं स्लाइड ये सब पढ़ सकता हूँ। चलो इधर पे जो है मैं उस स्लाइड के पास पहुँच चुका हूँ, और इधर पे वो स्लाइड मैंने प्ले कर दी। और अंकल आएंगे तो उस जगह से आ सकते हैं, और उस जगह से भाई इधर पे थोड़ा बहुत मैं देख लेता हूँ, ये 5 है। चलो अपने प्लेयर को तो पता ही चल चुका होगा वैसे। अच्छा ये ड्रीम है क्या मेरा? चलो इधर पे ये स्लाइड मेरे को मिल गई भाई। ये अंधेरा क्यों हो रहा है? अंधेरा ऐसे मत हो यार, डर लग रहा वैसे यहाँ उस अंकल से। चलो वो अंकल उधर पे जा रहे हैं, अपने फुट स्टेप की भी आवाज़ नहीं दूंगा। तो गाइस अब जो है मैं उस जगह पे पहुँच चुका हूँ, और अब जो है ये कोड भाई रीड कर देना चाहिए। चलो भाई अब जो है इसने कोड वैसे रीड कर लिया है, और इधर अंदर जाके बस ये चेन लेनी है मेरे को, क्योंकि इस चेन का बहुत ही ज़्यादा वाला काम है। चलो ये चेन ले, वैसे तो मैंने ले लिया है। और ये क्या हो रहा है मेरे को अभी? जोकर अंकल क्या अब सर्कस दिखाएंगे क्या मेरे को? शायद पे इधर पे लगेगी चेन, और चेन में लगेगा ताला, और इसको यूज़ भी तो करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ से ये ऑन करना पड़ेगा सबसे पहले तो। चलो अब जो है मैंने ये वाला तोड़ दिया है इधर पे, ये तोड़ दिया है तो इसका मतलब अंकल यहाँ पे आएंगे, क्योंकि आवाज़ तो यहाँ पे हुई है। और अभी देखता हूँ मैं स्केप करने के साथ साथ क्या क्या चीज़ें ले जा रहा हूँ। और इधर पे फ्लैश लाइट ले जा रहा हूँ, और इधर पे क्या है स्क्रू ड्राइवर, और इधर पे कोई घड़ी है, पता नहीं इन सब का क्या ही काम होगा। इधर से नीचे कूद सकते हैं ऐसे, कूद के देखूँ एक बार भाई। मैं अपनी लाइफ लाइन वेस्ट नहीं करना चाहता, अगर मेरे पास कुछ ज़्यादा लाइफ लाइन होती ना मैं तो वेस्ट कर सकता था। वैसे तो नहीं गिरते होंगे। ओ इधर से आगे जाना पड़ेगा भाई, इधर से नीचे जा सकते हैं, अभी जा सकते हैं भाई। मैं क्यों बदतमीजी कर रहा हूँ फालतू की। और इधर पे आगे चलते हैं, अभी वैसे मैं गिर नहीं था देखो। अबे हाँ यार नहीं जा सकते भाई, मैं गिर तो रहा नहीं हूँ वैसे। और ये मैं किधर पे पहुँच जाऊँगा अब बोलने के बाद? अबे अब जो है मैं सीधा घर पे पहुँच गए भाई, इस स्टोरी में चल गया रहा है। और इधर पे जाके जो है मेरे को ये घड़ी लगानी पड़ेगी, और अब जो है मैंने ये घड़ी लगा दिया, और अब जो है शायद मैंने ये गेम स्केप कर ली। और इधर पे अपना प्लेयर सोने लग गया, और ये जो है इसका घर ही होता है वैसे, लेकिन अब जो है ये सोने लग गया है। सोने लग गया कि बेहोश हो गया? सोने लग गया था वैसे, अभी उठ तो गया, लेकिन मैं इधर अंदर कहाँ पे हूँ? देखो इधर जो है मैं कहीं केज में हूँ। वो ये रहे अंकल, और अंकल ने मेरे को मार दिया। मार दिया क्या वैसे? अच्छा मैं जीत चुका हूँ। तो चलो गाइस आज की गेम प्ले वीडियो में इतना ही भाई, जो मैंने चलो इस गेम को पार तो कर दिया। और चलो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।